और अगर आप चीजों को पूरा नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है कि बजट नहीं है, तो स्पष्ट कीजिए चीजों को। ये जो टाल मटोल की नीति है, ये कहीं ना कहीं स्थितियों को बिगाड़ती है। आपको स्पष्ट होना पड़ेगा, आपको अपनी बातें बेहतर तरीके से रखनी पड़ेंगी। ये जो अहम की लड़ाई है, ये कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को मुश्किल में डाल रही है। और पिछली बार भी दर्जनों ऐसे लोग थे जो इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा गए थे। वहीं प्रदेश में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। दूसरे दिन भी डॉक्टरों ने विरोध स्वरूप अस्पतालों के बाहर ओपीडी लगाई और मरीजों को देखा। दरअसल सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने और चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौधरी समेत 12 लोगों के ट्रांसफर से सेवा डॉक्टर्स भड़के हुए हैं। डॉक्टरों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया था। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो वो एक बार फिर से हड़ताल पर चले जाएंगे। अलवर, बूंदी, दौसा, चौमू, रामगंज मंडी की तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, जहां पर साफ तौर पर हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। तो प्रदेश में डॉक्टर्स क्यों एक बार फिर से नाराज हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हड़ताल के दौरान डॉक्टर्स और सरकार के बीच एमओयू हुआ था। अब डॉक्टर्स एमओयू लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार अभी अपने वादे पर पूरी खरी नहीं उतरी है और एमओयू लागू नहीं होने से डॉक्टर 18 सूत्रीय मांगे पूरी करने की मांग कर रहे हैं। दो दिन पहले 12 डॉक्टरों के जो तबादले हुए थे वो भी नाराजगी का कारण है। अब वो जो तबादले हुए हैं उन्हें वापस लेने की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि हड़ताल के दौरान डॉक्टर सरकार के बीच जो एमओयू हुआ था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग हड़ताल पर गए। उधर राज्य कर्मचारियों का हल्ला बोल भी जारी है। अलग अलग विभागों में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। वेतन विसंगति और वेतन कटौती, चलनों की चूड़ियां छोटी लगो।